जयपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 63 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रोशनी शर्मा खड़ी हुई हैं। रोशनी शर्मा अपने जन समर्थन के दौरान कह रहे कि आप दे समर्थन, मैं करूंगी परिवर्तन। रोशनी शर्मा अपने जनसंपर्क अभियान के तहत वार्ड हेतु वाईफाई नेटवर्क, वार्ड को CCTV युक्त बनाना, सीवरेज व कचरा संग्रहण के लिए अलग टीमें बनाना और सड़क एवं रोड लाइट की व्यवस्था को सुचारू रूप से किए जाने जैसे वादे कर रही है। आइए जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की वार्ड नंबर 63 से प्रत्याशी रोशनी शर्मा आम जनता से क्या वादे कर रही है। मैं रोशनी शर्मा बीजेपी प्रत्याशी वार्ड नंबर 63 से। जैसे कि मैंने अभी पूरा वार्ड का दौरा किया तो बहुत सी समस्या निकल के आ रही है। कहीं सड़क बनी हुई नहीं है, लाइटें नहीं है। इतनी अच्छी अच्छी कॉलोनी है, इतने अच्छे अच्छे भाग है जिनमें लाइटें की बहुत बड़ी समस्या है, और पार्क है जिनमें लाइटिंग नहीं है, जिसमें बड़े बुजुर्ग जाते हैं पर वहाँ पर लाइट की समस्या है। काफी ट्रैक नहीं बने हुए, काफी समस्याएं ऐसी मेरे को देखने को मिली है जिन पे मैं काम करूंगी। और एक खुद की तरफ से मैंने सोचा कि इस वार्ड में मैं कुछ ऐसा नया करना चाहती हूँ, जैसे वाईफाई, CCTV कैमरे हर भाग पे। मेरे वार्ड में 7 भाग आते हैं जिन पे मैं CCTV कैमरा और सुरक्षा के लिए और हर भाग पे गार्ड की व्यवस्था करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। और एक हर भाग पे मैं शिकायत बॉक्स बनवाऊंगी जिससे लोगों को आना नहीं पड़े, उस शिकायत बॉक्स में शिकायत अपनी दर्ज करें। और मैं डेली या हफ्ते में 5 बार मैं वहाँ जाऊँ और इन शिकायतों को उनके ऊपर काम करूँ। मैडम जी, आपके लिए निभा पाएंगे आप उसको? बिल्कुल, संगठन और मेरे पूरे वार्ड के लोग साथ हैं और उनके सहयोग से मैं बिल्कुल वार्ड में काम करूंगी।